Assalamualaikum and a very good morning. Jaago Lahore ke saath main hoon Syeda Armala Hassan. Umeed karti hoon ki aaj jab Lahoriyon ne aankh khuli hogi to acche mausam khushgawar mausam mein unhe halki halki barish bhi mili hogi aur bas mausam ko enjoy bhi karne wale honge. और आज रात भर से मेरे ख्याल से हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है. सुबह जब मैं भी ऑफिस आ रही थी अर्ली मॉर्निंग, तब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सारे कह रहे थे अच्छा जी ये बारिश रुकेगी. कुछ रात में जब घर जाना होता है नाइट शिफ्ट के बाद, वो भी यही डिस्कशन जारी थी. तो उम्मीद करते हैं कि आज का मौसम जो है आप सब इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको जो कह लें जगाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इस अच्छे मौसम में कभी कभी आपका उठने का दिल नहीं करता. मुझे सुबह सुबह इतनी अच्छी कॉफ़ी मिल जाती है कि मेरी आंखें ऐसे हो जाती हैं. अच्छा जनाब, और इसके साथ साथ आज हम आपके साथ रिसर्च शेयर करते हैं. और आगाज़ में मैं आपको एक आर्टिस्ट के हवाले से बताऊंगी. स्केचिंग बहुत मुश्किल है और पेंसिल के साथ जब आप स्केचिंग कर रहे होते हैं तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन होती है कि अच्छा वहाँ पे प्रॉपर मतलब एक तो आप एक आर्ट है और इसको कोई आसानी से नहीं किया जा सकता. आपने कभी सोचा है कि आप एक हाथ से स्केचिंग कर रहे हो और आप दूसरे हाथ से कोई और काम कर रहे हो, या दूसरे हाथ से भी कोई मुख्तलिफ तस्वीर बना रहे हो? ऐसा मैंने तो कभी नहीं सोचा. लेकिन ये जो आर्टिस्ट है जिनके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने दोनों हाथों से आप पेंसिल की मदद से पोर्ट्रेट बनाती हैं. और ये डेनमार्क की जहीन और फतीन फनकारा है जो इस फन पर जो कह लें सही कमाल रखती हैं. साल 2010 में अपने दोनों हाथों से जनाब इन्होंने हकीकत के इंतहाई करीब तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की और उनकी जो कह लें चर्चे हर तरफ होने लगे. जबकि एक सादा पेंसिल से ये जनाब बनाई गई थी पोर्ट्रेट, और लेकिन ऐसे लग रहा था कि किसी ने पिक्चर खींचकर और उसकी जो है अपलोड की है पिक्चर्स. तो ये जनाब कैमरे से ली गई तस्वीर का गुमान होता है. और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक ही खातून है जो अपने दोनों हाथों से मुख्तलिफ तस्वीर बना रही हैं. पहले वो जनाब वो सीधे हाथ से ड्राइंग किया करती थी, फिर जब उन्होंने अपने दूसरे हाथ से खाके बनाए तो बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो एक वक्त में दोनों हाथों से मुख्तलिफ पोर्ट्रेट बना सकती हैं. बेसिकली ये टीवी एक्ट्रेस भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, और इवन के ये बच्चों के लिए एक वेबसाइट पर एक शो भी होस्ट कर रही हैं. लेकिन इनकी शोहरत की वजह जो है वो हैरत अंगेज इनके फनपारे हैं जो पूरी दुनिया में महंगे दामों फरोख भी हो रहे हैं. और लोगों को अक्सर तो ये यकीन ही नहीं आता कि ये एक ही वक्त में दोनों हाथों से दो मुख्तलिफ तस्वीर बनाती हैं. और लिहाजा इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने खुद अपनी वीडियो बनाकर पोस्ट की, जिसे देखने वाले लोग जो हैं वो हैरान हो गए कि वाकई ये बहुत एक्सेप्शनल किस्म का एक टैलेंट है. और वो कहती हैं जनाब कि मैं अपनी याददाश्त की बदौलत दो तस्वीर बना पाती हूँ, यानी मेरे हाथ जानते हैं कि कौन सी लाइन किस सिम्त में खींचनी है. और माहिन जो कहते हैं जो दीगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहते हैं कि जनाब ये इनको बहुत ही ज़बरदस्त गॉड गिफ्टेड सी चीज़ है जिससे खातून इंतहाई जीनियस हैं. मैं तो लिटरली अगर एक कान पे फ़ोन सुन रही हूँ और मैं दूसरे कान से कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे से वो ना हो. मतलब आप एक वक्त में एक हाथ से एक ड्राइंग बना रहे हैं और दूसरे हाथ से मुख्तलिफ ड्राइंग बना रहे हैं. मतलब दिस इज़ अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग. और दुनिया भर में जनाब लोग इनको इस खातून को इंटरव्यू भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं. और ये जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक ही खातून जनाब दो मुख्तलिफ तस्वीर अपने दोनों हाथों से बना रही हैं, लेफ्ट हैंडेड. मतलब ये लेफ्ट हैंडेड भी और राइट हैंडेड भी है, मल्टीटास्किंग. अच्छा कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है जनाब. ये टैलेंट हमने आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद करते हैं कि आप भी इनको अप्रिशिएट करेंगे. सोशल मीडिया पर इनको ज़रूर ढूंढिएगा, ताकि आपको अगर यहाँ पे यकीन ना आए तो आप सोशल मीडिया पर इनकी जो कह लें ना वो वीडियो देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर टैलेंटेड खातून है. अच्छा जनाब, अब एक और एक स्मार्ट बेड तैयार हुआ है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाबी बेड है ये, वैसे हम सब लोगों के लिए बड़ा कारामा साबित होने वाला है. अक्सर बचपन में बहन भाई जब हो रहे आप सब एक ही अम्मा बेड पर लटा देती थी, तो कोई बच्चा रोता वोटता था, उसने मुझे टांग मारी, इसने मुझे बेड से नीचे गिरा दिया, इस तरह के कई मसाइल सामने आते थे. लेकिन साइंसदानों ने आपके इस मसले का हल भी निकाल लिया. वो क्या है कि जनाब इन्होंने एक स्मार्ट बेड तैयार किया है जो कि ना सिर्फ करवट बदलने में आपको हेल्पफुल होगा, बल्कि बिस्तर से गिरने और अगर आप किसी के साथ सो रहे हैं तो दोनों अफराद को मखसूस जगह तक महदूद भी रखेगा. और हमारी नींद अमूमन अजीब ही होती है, नींद में हमें नहीं पता होता हम अपने जो क्या मतलब कोई बेड से गिरने की जो ट्राई कर लेते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है. तो आप इस सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं. और अच्छा, जो लोग इसका एक और प्लस पॉइंट भी है कि जो लोग खुदा ना खास्ता किसी बीमारी का, फॉलेज का या किसी असाबी मर्ज का शिकार होंगे,
वो करवट बदल से मूवन कासिर होते हैं और किसी ना किसी की हेल्प उन्हें चाहिए होती है करवट लेने में, तो जनाब उन्हें ये बेड सोल से बचाने के लिए बार बार पोजीशन तब्दील भी उन्हें करनी होती है, लेकिन जिसके लिए हर वक्त जैसे हम आपको पहले कहेंगे मददगार शख्स की ज़रूरत होती है। लेकिन साइंसदानों ने जनाब ये ऐसा बेड तैयार कर लिया है जिससे हसबे ज़रूरत आप प्रोग्रामिंग करके इसको, इसकी प्रोग्रामिंग को सेट करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बेड में मौजूद प्रोग्राम के तहत बेड पर बॉर्डर लाइन भी बनाई जा सकती है जिससे एक हिस्से में लेटा शख्स जो है दूसरे शख्स की तरफ नहीं वो गिर नहीं सकता, और इस बॉर्डर को जैसे ही वो क्रॉस करने लगता है तो ये बिस्तर की प्रोग्रामिंग उसको उसकी साइड पर धकेल देती है, और इस अमल के दौरान दूसरे शख्स को भी अंदाज़ा नहीं होता कि बेड में क्या चेंजेस आ रही हैं। और बेड के चारों तरफ जनाब बॉर्डर भी बनाया गया जो बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, जो बच्चों को बिस्तर से गिरने से महफूज रख सकता है। और इसमें ऐसी भी प्रोग्रामिंग जो किसी मरीज़ को वक्तन फवक्तन जो है कवर बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है और उन्हें बेड सोल नहीं होगा। तो लिहाजा ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, मतलब बेड वाकई बच्चे गिर जाते होते हैं, मोमन माएँ अकेले बेड पर लेटा कर नहीं जाती हैं कि खुदा ना खास्ता बच्चा गिर ना जाए, तो इनके लिए बड़ा सेफ साइड है। अच्छा जनाब ये तो हमने आपके साथ रिश्ता शेयर कर ली, अब ज़रा मैं आपके साथ अगली एक अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो हम हर चीज़ को जब ऑब्ज़र्व करते हैं चाहे वो परिंदे हैं, इंसान हैं, हैवानी जो कहले चीज़ें हैं या आबी चीज़ें हैं, उन सबको जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत आपको हर चीज़ में नज़र आती है। और ऐसी मुझे हमेशा जब भी मैं समुंदर में मछलियों को देखती हूँ, जब उनके कलर्स देखती हूँ, मुझे बहुत फैंटेसाइज करती हैं चीज़ें। और एक ऐसी मछली मैं आपको बता रही हूँ जो तैरती नहीं बल्कि समंदर की सतह पर चलती है जनाब, और इसके हवाले से मछली जो है ये तस्मानिया में पाई जाती है और ये एक नायाब किस्म की मछली है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैरती नहीं है बल्कि चहलकदमी करती है, और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साइंसदान अब इस मछली की नस्ल को बचाने की भरपूर कोशिश तो कर रहे हैं, और ये हैंड फिश कहलाती है और इस पर ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, और ये इस वजह से इसको हैंड फिश कहा जाता है, और ये समंदर की तह में जो है चहलकदमी करती है और इतना ही तैर सकती है जितना एक मुर्गी जो है वो उड़ने की सलाहियत रखती है, यानी कि बहुत कम इंटेंसिटी होती है। और ये 1980 की दहाई में तस्मानिया में पाई गई थी, और अब इसकी जो ब्रीडर्स को बचाने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन ये एक स्पेसिफिक छोटे से इलाके में मौजूद होती है, और ये वाहिद मछली मैंने सुना है जो तैरने की बजाय चल रही है, मतलब दिस इज़ इंटरेस्टिंग, एंड ये अल्लाह ताला की क्रिएचर है, आप डेफिनेटली इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि हर चीज़ में कोई ना कोई कुदरत मौजूद है और उसकी एग्जाम्पल हमें इस तरह से मिलती है। अच्छा जनाब अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो सेकेंड आर में हम आज कुछ ऐसे टॉपिक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पे बात करेंगे डिटेल में, और उसके अलावा क्योंकि लाहौर की पॉलिटिक्स को तो हम डेफिनेटली डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर।